मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत मर्तबा सवाल किया है, बहुत बार पूछा है कि इंडिया यानी भारत का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक कौन सा है जिसका डूबने का दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे सेफ बैंक कौन सा है और उन्हें सबसे सुरक्षित बैंक क्यों माना गया है, और जो बैंक इस कैटेगरी में नहीं है क्या उसमें अकाउंट खोलना नहीं चाहिए, क्या वो बैंक सेफ नहीं है, क्या वो बैंक स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या वो बैंक डूब जाएगा, क्या वो बैंक में पैसा रखना नहीं चाहिए। और जो बैंक स्ट्रॉन्ग नहीं है यानी उसके अलावा, यानी जो स्ट्रॉन्ग है उसके अलावा सारे बैंक क्या ये सेफ बैंक नहीं है, ये सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। मैं आपका बहुत ही कम समय लूंगा जिसमें आपको बड़ी आसानी के साथ समझा दूंगा कि इंडिया यानी भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे सेफ बैंक कौन सा है जिसको सबसे टॉप में रखा गया है, और उसके अलावा जितने भी बैंक है क्या वो सेफ नहीं है, ये सारी चीज इस वीडियो में चर्चा होगा और आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है, मान लीजिए चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक है, सारे बैंक सेफ है, सारे बैंक एक कैटेगरी में आता है, क्योंकि कोई भी बैंक बिना आरबीआई के लाइसेंस के वो इंडिया के अंदर चल ही नहीं सकता है। यानी सारी बैंक आरबीआई के तहत ही चलता है, बिना आरबीआई के लाइसेंस के इंडिया में आप कोई भी बैंक यूज नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ बैंक इसमें टॉप क्लास में है और कुछ बैंक सामान्य क्लास में है। अब इंडिया का जो सबसे टॉप क्लास है वो जो बैंक है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। इंडिया यानी भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे सेफ बैंक जो है वो है, एक सरकारी बैंक है और दो प्राइवेट बैंक है। सरकारी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सरकारी बैंक है। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों माना गया है उसका भी मैं खुलासा कर देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक इसलिए माना गया है क्योंकि इनका जो एनपी है ना 1% से भी कम है। यानी एनपी का मतलब है नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होता है, यानी इसका जो कर्ज दिया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोगों को जो लोन दिया है, चाहे होम लोन हो, चाहे नॉन लोन हो, या चाहे बिजनेस लोन हो, इनका जो लोन है वो टाइम पे लौट आ रहा है, यानी बैंक को रिटर्न मिल रहा है जिसका एनपी 1% से कम है। यानी कोई कर्ज लिया है वो कर्ज टाइम पे उसको अदा कर रहा है, और इनके ऊपर यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कर्ज बहुत ही कम है क्योंकि इनका जितने भी ग्राहक हैं, इनके जितने भी ग्राहक हैं वो सबसे सब टाइम पे पैसा इसको रिटर्न कर रहे हैं, और लोगों के पास जो इनका पैसा पड़ा हुआ है वो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। इसलिए भारत के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुरक्षित सबसे नंबर 1 पे रखा गया है। ये तो हो गया सरकारी बैंक। इसके अलावा जो सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है, जो दो प्राइवेट बैंक है उनमें से है एक HDFC, इनका भी जो एनपी है वो 99%, यानी इनका जो पैसा है लोन है वो इनकी ग्राहक टाइम पे इसको लौटा दे रहा है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैकग्राउंड है उसी तरीके से HDFC का भी बैकग्राउंड उतना ही मजबूत है, और ये डूबने का चांस बहुत दूर दूर तक नहीं है, इनका दिवाली कभी नहीं निकलेगा। उसके बाद प्राइवेट में से तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है ICICI बैंक। इंडिया का तीसरे नंबर पर जो बैंक है वो ICICI बैंक है। इसका भी जो लोन दिए हैं लोगों को उसका जो रिटर्न है वो टाइम पर मिल रहा है, और इसके ऊपर कर्ज नहीं के बराबर है, इसलिए इंडिया यानी भारत के अंदर सबसे सुरक्षित और सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे सेफ बैंक जो है वो तीन ही है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक।
इसके अलावा क्या बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, इंडियन बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, क्या ये सारे के सारे सेफ नहीं है? क्या ये सारे के सारे डूब जाएगा? क्या ये सारे के सारे अकाउंट का दिवाली निकल जाएगा? तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये जो सारे बैंक अकाउंट है सारे के सारे आरबीआई के तहत चलता है, ठीक है। लेकिन इनमें इन तीन बैंक का यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को इंडिया में 3 नंबर पर यानी टॉप पर क्यों रखा गया है? इसका जो एनपी है वो 1% से भी कम है, जिसकी वजह से इसको टॉप पे रखा है। और उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इनका जो एनपी है इससे बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसका जो फर्क होता है, डिफरेंट होता है, वो आसमान जमीन के बराबर हो जाता है। क्योंकि जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, इनका जो ग्राहक है जिसको लोन दिया है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो होम लोन हो या किसी और अदर लोन हो, उसको टाइम पे पैसा मिल ही नहीं रहा है या किसी और रीजन के कारण उसके ऊपर कर्ज हो, जिसकी वजह से ये नीचे है। तो मैं आपको ये नहीं बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक में हो या कोटक महिंद्रा बैंक में हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया में हो, किसी में अगर आपका पैसा है तो आपका पैसा सेफ नहीं है। उसमें भी पैसा आपका सेफ है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इंडिया का जितना भी बैंक हो वो डूब जाए। क्योंकि इससे पहले जो बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कितना बैंक ऐसा है जो मर्ज कर दिया गया है, छोटा मोटा जो बैंक डूबने का कगार पे था उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया है। इसी तरीके से स्टेट बैंक के साथ कितने सारे छोटे बैंक को मर्ज कर दिया गया है। इसी तरीके से इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक को, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। जब सरकार को पता चलता है कि ये बैंक डूबने वाली है तो उस बैंक को एक स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज कर देता है, ठीक। इसलिए सारे बैंक आरबीआई के तहत, आरबीआई के नजर के तहत चलता है, इसलिए सारे बैंक सेफ है। लेकिन उनमें सबसे जो टॉप क्लास बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसी बैंक है। अब मान लीजिए किसी बैंक का दिवाली निकल गया, कोई बैंक डूब गया, ऐसे में अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आपका पैसा का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, डीआईजीसी यानी धारा 1961 के तहत जो प्रबंध है आपका 5 लाख तक सेफ है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक अगर आपके अकाउंट में है तो आपका पैसा सेफ है। डीआईजी के तहत आपका जो बीमा है वो 5 लाख तक आपको सेफ रखा गया है। अगर उस बैंक का दिवाली निकल जाता है, वो बैंक डूब जाता है या वो बैंक भाग जाता है, तो डीआईजीसी यानी आरबीआई के तहत आपको 5 लाख रिटर्न किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा। अगर आपका अकाउंट में 5 लाख से ऊपर है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, तो ऐसे तहत में वो पैसा आपका क्या होगा जिस अकाउंट में आपने रखा है, जिस बैंक में रखा है, और वो बैंक डूब गया है, जिस बैंक का दिवाली हो गया है, तो उस पैसा का क्या होगा? तो मैं आपको बता दिया हूं, डीआईजी यानी 1961 यानी धारा के तहत आपका अगर 25 लाख है या 15 लाख है तो आपको डीआईजीसी के तहत 5 ही लाख का बीमा दिया जाएगा, ना कि आपको 25 लाख का बीमा दिया जाएगा। उसका जो 5 लाख रिटर्न, मान लीजिए आपका 15 लाख है, 5 लाख आपको मिल जाएगा, 10 लाख आपका दिवाली हो जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि 2020 से पहले 1 लाख का बीमा था, लेकिन 2020 के बाद यानी 21-22-23 से उसको हटा करके सीताराम ने 5 लाख का बीमा कर दिया है। यानी अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट का दिवाली निकाल जाता है, डूब जाता है, तो आपको के
5 लाख आपका सुरक्षित है, आपको 5 लाख लौटाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको बता दिया हूं इंडिया यानी भारत के अंदर कौन सबसे सुरक्षित बैंक है, उनमें से कौन सरकारी है, कौन प्राइवेट है वो भी बता दिया हूं, और किस रीजन के कारण वो स्ट्रॉन्ग माना गया है और वो टॉप 3 पर आता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बैंक है वो मैं नहीं कहता हूं कि वो बेकार है, उसमें अकाउंट ना खोले, सारे के सारे बराबर है। एनपी के तहत कुछ बैंक में डिफरेंट हो जाता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि इंडिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक अकाउंट कौन सा है और क्यों है, और अगर बैंक अकाउंट डूब जाता है तो आपका पैसा कितना तक आपको मिल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।